आधुनिकता की चकाचौंध ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसके प्रभाव से कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। कभी किसानों ने रासायनिक खाद का भरपूर इस्तेमाल किया जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कम हुई, साथ ही फसल में लागत भी बढ़ने लगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ लौटने लगे हैं, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य भारत का अभिन्न हिस्सा, धान का कटोरा है। समय के साथ परिवर्तन का भागीदार बनकर किसानों ने रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग किया, जिसका परिणाम जल्द ही मिट्टी की कम उर्वरा शक्ति के रूप में और गिरते सेहत के रूप में सामने आने लगा, जिसने एक बार फिर से प्रदेश की मुखिया की चिंता बढ़ा दी। तब भूपेश सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसके माध्यम से पारंपरिक खाद का उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को प्रेरित किया जाने लगा। हर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाने लगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती मिशन अंतर्गत हम लोग नगरी ब्लॉक में 180 हेक्टेयर में इसकी खेती करवा रहे हैं। इसमें लगभग 450 किसान सम्मिलित हैं। इसमें हम किसानों को विभिन्न जैविक उत्पाद जैसे गौमूत्र आधारित उत्पाद हो गए या फिर उसको निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही विभाग द्वारा हम उनको विभिन्न जैविक कीटनाशक, फफूंद नाशक और जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी घुरवा खाद, गोबर खाद, ये इसी का उपयोग करते थे और 100-120 साल जीते थे। तो मैंने वही तुलना किया उनसे और उसी दिन से मैंने मान लिया कि मेरे को अब जैविक खेती ही करना है, लोग करे या ना करे लेकिन मेरे को करना है। तो उस समय से मैं आज तक के कर रहा हूँ, तो करते करते 7 साल हो गया है। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कृषि विभाग और स्व सहायता समूह के माध्यम से किसानों को जैविक खाद बनाने और उनका उपयोग करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग जैसे बाहर से खरीदते हैं ना रासायनिक खाद, उससे जमीन बहुत कठोर होते जा रहा है, नशीली होते जा रहे हैं। तो हम लोग गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन से दवाई बनाने के लिए सिखाए और मतलब गांव में जैसे कि पत्ते हैं ना, जाम पत्ता, करण पत्ता, सीता पत्ता, इन सब पांचों पत्तों से दवाई बनाने के बारे में सिखाए। लहसुन मिर्ची की भी दवाई, लहसुन मिर्ची की भी दवाई बनाने के लिए सिखाए हैं दीदियों को। और महीने के लिए खट्टा मट्ठा मही को एक सप्ताह तक सड़ा कर उसमें छिड़काव करने के लिए भी सिखाया है। और नाडेप बनाए भी है दीदियों के यहाँ और अजोला टैंक भी बनाए हैं। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के कई किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर नित नई सफलता की कहानी लिख रहे हैं। और घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। आइनिश न्यूज़ ब्यूरो।